Assalamualaikum. I hope you all will be fine. Today we start the number third class of bryophytes. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं bryophytes की number three class, that is Anthrocerotii. Anthrocerotii commonly called hornworts. इनको hornworts भी कहा जाता है. बट क्यों? बिकॉज देयर स्पोरोफाइट हैव इलोंगेटेड कैप्सूल दैट ग्रो लाइक हॉर्न्स. Anthrocerotii को हॉर्नवर्ट्स क्यों कहा जाता है? क्यों? इसका स्पोरोफाइट जो होता है वो क्या होता है? इलोंगेटेड होता है. दैट ग्रो लाइक हॉर्न, जो कि एक हॉर्न की तरह नज़र आता है. नाउ वी डिस्कस दी गैमेटोफाइट. गैमेटोफाइट थैलस कंटेन राइजोइड्स. जिसकी गैमेटोफाइट होती है वो क्या होती है? थैलस कंटेन राइजोइड्स. सेकेंड जो है स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट इज कंजिस्ट ऑफ फूड सीटा एंड कैप्सूल. स्पोरोफाइट किस पे कंजिस्ट होता है? फूड सीटा एंड कैप्सूल. शो एडवांस करेक्टर एंड कंटेन. ये क्या करते हैं? एडवांस करेक्टर शो करते हैं. शो एडवांस्ड करेक्टर एंड कंटेन स्टोमेटा क्लोरोप्लास्ट एंड मेरिस्टेम. अब जो है हम इसकी डायग्राम बनाते हैं गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट की. ये जो है किसकी स्ट्रक्चर है? स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट की. स्पोरोफाइट जो है वो ये है. स्पोरोफाइट एंड दी गैमेटोफाइट आर नाउ डिस्कस दी लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स. हम जो है लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइट की, जिसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा. Anthrocerotii की एग्जाम्पल में जो है वो है एंथ्रोसिरोज एंड ओनली एंथ्रोसिरोज. देट इज राइजोइट. यू ऑल्सो नो देट राइजोइट्स. नाउ डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स. जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल को हम डिस्कस करेंगे. ब्रायोफाइट्स शो हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ब्रायोफाइट शो हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन
विद डोमिनेंट गैमेटोफाइट, लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट जो है ये क्या है, शो करते हैं हेट्रोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हेट्रोमार्फिक से मुराद इसके जो गेमेट्स होते हैं वो मार्फोलॉजिकली क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जिनमें डोमिनेंट क्या होती है, गेमेटोफाइट जो है वो क्या होती है, डोमिनेंट होती है। सो ये जो थी लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स, हम किसी भी एक ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल को डिस्कस करते हैं तो हम लेते हैं लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया को लेते हैं और उसकी लाइफ साइकिल को हम डिस्कस करते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया, फर्स्टली गैमेटोफाइट, हैप्लोइड प्लांट। गैमेटोफाइट जो है वो क्या है, हैप्लोइड प्लांट बॉडी। दे कंटेन राइजोइड्स, सीडो स्टेम, एंड सीडो लीव्स, जो कि हम पहले भी डिस्कस करके आ चुके हैं न्यूसाए में। तो गेमिटोफाइट जो है वो क्या होती है, हैप्लोइड होती है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, प्लांट बॉडी दैट कंटेन, जो कंटेन करती है राइजोइड्स, सीडो स्टेम एंड सीडो लीव्स कंटेन करते हैं। स्टेम इज डाइशियस यूनिसेक्सुअल, स्टेम इज डाइशियस मींस यूनिसेक्सुअल। अगर मोनोशियस होता तो ये बायसेक्सुअल होना था, मींस के ये क्या है, यूनिसेक्सुअल है। अब जो है हम डिस्कस करते हैं एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम को। एंथ्रीडियम, यू नो दैट एंथ्रीडियम इज अ मेल ऑर्गन दैट प्रोड्यूस स्पर्म। मेल ऑर्गन that produce sperm, male organ है जो कि क्या produce करता है, sperm produce करता है, sperms जो कि क्या है, anthrozoites। अब हम discuss करते हैं female part that is archegonium। आर्चिगोनियम इज अ फीमेल ऑर्गन दैट प्रोड्यूस एग, इट इज अ फीमेल ऑर्गन दैट प्रोड्यूस एग। सिंपली एग को हम क्या कहते हैं, ओवा। आर्चिगोनियम जो है ये फीमेल ऑर्गन है जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, ओवा प्रोड्यूस करता है। सो ये था एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम। अब जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोटोएंड्री। व्हाट द मीन ऑफ प्रोटोएंड्री, प्रोटोएंड्री मीन्स एंथ्रीडिया डेवलप डेवलप्स earlier, egg and sperm fuse to form zygote, egg और sperm मिलके क्या बनाते हैं, zygote बनाते हैं, that also known as oospore। Zygote develops into embryo
जायगोट किस में डिवलप होता है, एम्ब्रियो में, एंड एम्ब्रियो डिवाइड्स टू फॉर्म स्पोरोफाइट, फाइनली एम्ब्रियो डिवाइड्स टू फॉर्म स्पोरोफाइट। तो ये जो हमने डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया अबाउट गैमेटोफाइट, अब हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट याद रखें, गैमेटोफाइट हमेशा क्या होता है, हैप्लोइड होता है, बट स्पोरोफाइट जो है वो क्या होता है, डिप्लोइड होता है। इट इज़ अ डिप्लोइड प्लांट बॉडी that consists of you know that foot sita and capsule. Capsule contain in sporangia that produce haploid spores. Capsule produce sporangia that produce haploid spores. स्पोरोफाइट जो है वो क्या होती है, डिप्लोइड प्लांट होता है, लेकिन जो उसमें स्पोर्स हैं वो क्या होते हैं, हैप्लोइड स्पोर्स कंटेन करता है, कौन, स्पोरेंजिया। स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म जब स्पोर्स की जर्मिनेशन होती है तो वो क्या बनाते हैं, टू फॉर्म इमेच्योर गैमेटोफाइट कॉल प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा जिसको हमने डिस्कस किया था एंथ्रो सीरोटी में। देन लास्ट प्रोटोनिमा डिवलोप्स इनटू दी प्रोटोनिमा जो है वो डिवलप होता है किसमें, डिवलप्स इनटू दी मैच्योर गैमेटोफाइट। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, प्रोटोनिमा क्या है, एक इमेच्योर गैमेटोफाइट है। जब प्रोटोनिमा जो है वो डिवलप्स होगा तो वो क्या बना लेगा, एक मैच्योर गैमेटोफाइट बना लेगा। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लाइफ साइकिल। अब हम इसको साइकिल की मदद से समझते हैं वन बाय वन स्टेप करके। इन द फ्रंट ऑफ यू दैट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ फनेरिया। हम लाइफ साइकिल को डिस्कस करने जा रहे हैं फनेरिया की। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट इज अ हैप्लोइड प्लांट बॉडी दैट कंटेन राइजोइड्स, सीडोस्टेम एंड सीडोल लीव्स। आप इस पिक में देख सकते हैं मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, इट हैव राइजोइड्स, सीडोस्टेम एंड सीडोल लीव्स। द नेक्स्ट स्टेप इज एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम। यू नो दैट एंथ्रीडियम इज अ मेल ऑर्गन दैट प्रोड्यूस स्पर्म and the archegonium is the female organ that produce egg. Anthridium also produce anthrozoites and the archegonium is the egg. You know that when egg and sperm fuse to form zygote, जब वो egg और sperm मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, zygote बनाते हैं। Now there is the formation of zygote. Zygote also known as oospore. When zygote develop into embryo, zygote develops किस में हो जाता है, embryo में, and the embryo divides to form sporophyte. The last is embryo divides to form sporophyte. हमने discuss किया gametophyte को। अब gametophyte में last में जब embryo जो divide होगा वो किस में convert हो रहा है, sporophyte. Now we discuss sporophyte. Sporophyte is a diploid plant body that contain food sita and capsule. In the front of you, that is a picture, have capsule.
कैप्सूल कंटेन इन स्पोरेंजिया दैट प्रोड्यूस हैप्लोइड स्पोर। कैप्सूल स्पोरेंजिया कंटेन कर रहा है और स्पोरेंजिया जो है स्पोर कंटेन कर रहा है। स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म इमेच्योर गैमेटोफाइट कॉल प्रोटोनीमा। व्हेन स्पोर इज जर्मिनेट दैट फॉर्म इमेच्योर गैमेटोफाइट दैट कॉल प्रोटोनीमा। नाउ प्रोटोनीमा डिवलप इन टू दी मेच्योर गैमेटोफाइट। प्रोटोनीमा जो है वो डिवलप होके क्या बना लेगा, मेच्योर गैमेटोफाइट। तो हमने डिस्कस की लाइफ साइकिल ऑफ नेरिया, फर्स्टली गैमेटोफाइट एंड देन स्पोरोफाइट। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको बताते चले, जो ब्रायोफाइट है वो कौन सी अल्टरनेशन शो करता है, वो हेट्रोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन विद डोमिनेंट गैमेटोफाइट। हेट्रोमार्फिक मीन्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट विद डोमिनेंट गैमेटोफाइट। इसमें जो गैमेटोफाइट है वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा। सो ये जो थी लाइफ साइकिल ऑफ नेरिया, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। थैंक यू।